प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये हमारा चैप्टर है जिस पर हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बामबोधनी पत्रिका के बारे में और इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है हिंदू पैट्रियट के बारे में। हिंदू पैट्रियट एक पत्रिका थी, इसमें क्या चीज़ें थी, आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर हमारे पास आप देख सकते हैं हिंदू पैट्रियट, ये जो पूरी पत्रिका थी उसके बारे में जो डिटेल्स है वो लिखा गया है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। द हिंदू पैट्रियट एंड इंग्लिश वीकली प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया एंड दैट इज दैट ऑफ द रेजिडेंस इन बंगाल। तो अगर मैं बात करूँ हिंदू पैट्रियट का, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो हिंदी पैट्रियट है ये एक इंग्लिश की पेपर थी, वीकली न्यूज़पेपर निकलती थी, जर्नल थी जो वीकली निकलती थी, और इसने जो रोल प्ले किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इट स्टार्टेड इज जर्नी ऑन 6th of January 1853। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी 1853 का टाइम आपको मेंशन किया है, तो 6th of January 1853 AD में ये स्टार्ट हुआ था, स्टीयर्ड बाय मधुसूदन रॉय। तो मधुसूदन रॉय के बारे में भी हम लोग इसी में जानेंगे। गिरीशचंद्र घोष एंड हिज टू ब्रदर्स, तो ये चार वो लोग थे जिन्होंने मिलकर ये हिंदू पैट्रियट इस पत्रिका को, इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। हरिश्चंद्र वॉज इट्स एडिटर फ्रॉम 5th July 1855 to 1861 AD। तो ये हमारे पास 1855 से लेकर 1861 तक इस टाइम पे ये इसके एडिटर बने रहे, और ये टाइम इस का सबसे गोल्डन पीरियड रहा हिंदू पैट्रियट का, जिस टाइम पे इसमें इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट देखे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगा। ही टू का वीकली टू अ ग्रेट हाइट्स इन दिस 7 ईयर्स, ये 1855 से 1861 के बीच की बात की जा रही है। वाइल ही वॉज इन चार्ज ऑफ हिंदू पैट्रियट, पॉलिटिकल न्यूज एंड व्यूज वेयर रेगुलरली पब्लिश्ड इन इट। द गवर्नमेंट पेड मच अटेंशन टू दिस ओपिनियंस एंड हीज एंड दिस इज वेयर द यूनिकनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदू पैट्रियट। तो इस टाइम पे जो वीकली न्यूज़पेपर थी, ये जो वीकली न्यूजेस थे रेगुलर निकलते थे, और सिर्फ इनका निकलना नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट थी वो भी इस बात में बहुत ध्यान रखती थी कि क्या चीज़ें इस आर्टिकल में छप रही है, इसमें क्या चीज़ें बताई जा रही है, और इन चीज़ों का ध्यान रखकर वो अपने आने वाले स्टेप्स को डिज़ाइन करती थी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज में मैंने अभी आप लोगों के लिए अलग अलग पेजेस में नोट्स बना दिया है, तो मैं आपको एक एक करके सारा पेज बताता हुआ चलूँगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं हिंदू पैट्रियट को आगे कंटिन्यू करूँगा। पेज नंबर 16 में, लॉर्ड डलहौजी वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1848 to 1856। तो ये वो टाइम था जब हिंदू पैट्रियट भी पब्लिश हो रही थी, और इस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी थे। वाइल हिंदू पैट्रियट केम इन टू बींग, लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अराउंड दिस टाइम। तो आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी का जो मैथड था, जो उनका टेक्निक था, वो टेक्निक कुछ इस तरह से था कि जिसके परिवार में कोई बेटा नहीं है उसके परिवार को ये एक्वायर कर लेते थे, और उसके परिवार में कोई बेटा नहीं है इसलिए वो किसी को गोद नहीं ले सकते हैं, और इसके वजह से वो जो पूरा स्टेट था वो पूरा स्टेट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चलाता था। तो इस तरह की चीज़ों को लॉर्ड डलहौजी ने किया था, और ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में जिस आर्टिकल में छप रही थी वो था हमारा हिंदू पैट्रियट। इसके तहत तो उन्होंने किन स्टेट्स के साथ लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा किया था, उनका नाम यहाँ पर लिस्ट किया गया है। सतारा, नागपुर, संभलपुर, पेरार, औध और झांसी। झांसी का नाम तो हम लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के रिवॉल्ट में बहुत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था। यहाँ पर हम किसी के एक नाम को नहीं ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उनका नाम बहुत ही कॉमन था इसलिए लिया जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। हरिश्चंद्र रोट इन हिज बोल्ड एडिटोरियल, हरिश्चंद्र ने अपने बहुत ही बोल्ड एडिटोरियल में इस चीज़ को मेंशन किया था, दैट लॉर्ड डलहौजी रेकलेस एंड फोर्सिबल इंपेरियलिज्म पुट्स इवन द डेविल टू सेम। मतलब बताना चाहते हैं कि जो डेविल है, मतलब जो मतलब बुरे से बुरे चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, वो भी इस लॉर्ड डलहौजी की नीतियों को देख के उन्हें लगने लगा था कि जैसे कि वो शायद उनसे बेहतर है, डेविल्स को ये फील होने लगा था। ऐसे कुछ नीतियों के साथ लॉर्ड डलहौजी काम कर रहे थे। इवन द एक्सेस ऑफ तसार निकोलस द डेस्पोटिक रूसियन एम्पायर, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे इस रूसियन एम्पायर का, और ये रूसियन एम्पायर उनके बारे में बोला जा रहा है, एंड लूजिंग आउट टू हिज मूव्स, वो भी अपना वो जो जगह था वो भी वो खो बैठ रहे थे जब लॉर्ड डलहौजी की नीति के सामने वो खुद को देखते थे। तो देख सकते हैं कि ये क्या कैसा कंडीशन लॉर्ड डलहौजी ने बना रखा था। तो इस टाइम पे हिंदू पैट्रियट ने क्या रोल प्ले किया, चलिए अब उसे जानते हैं। हिंदू पैट्रियट पॉइंटेड आउट द फ्लॉज इन द गवर्नमेंट्स एंड ब्लेम्ड द वर्थलेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रेबेलियन ऑफ हिंदू पैट्रियट।
रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड ब्रांडेड देम एज एवरेसियस एंड टिरेनिकल। तो आप समझ सकते हैं कि जो उस टाइम का सिचुएशन था, उस टाइम के सिचुएशन में हिंदू पेट्रियट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो ला कर हमें दिखा रही थी। आप समझ सकते हैं उस टाइम पे जो हमारे लैंडलॉर्ड्स और हमारे जो जमींदार थे, यानी जो इंडियन मूल के ही थे, वो भी हम पर अत्याचार कर रहे थे, और उन लोगों को किस तरह से इन्होंने बैंड किया, ब्रांड कर दिया था, उन्हें किस तरह का एक नाम उन्होंने दे रखा था। हरिश्चंद्र सपोर्टेड परमानेंट सेटलमेंट एंड नेवर हेजिटेटेड टू पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन ऑपरेशंस बाय जमींदार। तो जो भी तरह की जो जमींदार की जमींदार लोगों की जो नीतियाँ थी, उन नीतियों में जो गलतियाँ थी, कमियाँ थी, वो अपने अपने न्यूज़पेपर में उसे लगातार पब्लिश कर रहे थे। इन सिचुएशंस में बिल्कुल उन पर भी एक्शन लिए जा रहे थे, इसके बाद में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। ड्यूरिंग 1857 AD द सिपाही मिटनी, यानी कि जो हमारा ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट रहा, उस फर्स्ट इंडियन रिवॉल्ट रहा, उसके बारे में बात की जा रही है। स्प्रेड टू ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडिया, ये लगभग पूरे इंडिया में फैल चुका था। देर वॉज नो वे टू सपोर्ट दिस अपराइजिंग, हरिश्चंद रीफ्रेंड फ्रॉम डूइंग सो, और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कोशिश की, जहाँ पर बताने की कोशिश की किस तरह से की चीज़ें हो रही हैं। He analyzed the cause of the revolt of 1857 with an impartial mind and condemned the harsh and the vengeful measures adopted by the government in putting an end to it. तो ये जो 1857 का रिवॉल्ट हो रहा था, उस टाइम पे किस तरह के गवर्नमेंट के स्टेप्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को ख़त्म किया, इसे एक्सप्लेन करना किसी भी तरह से उन्होंने छोड़ा नहीं। सारी चीज़ें बारीकी से हम लोगों को इस न्यूज़पेपर में उन्होंने समझाई थी। तो हिंदू पेट्रियट का रोल समझ ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, लगभग हम अपने लास्ट पेज की तरफ आ चुके हैं। द रेन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड इन 1858 AD। आपको पता है कि जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, उस रिवॉल्ट के बाद क्वीन जो थी हमारे इंग्लैंड की, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रूल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस कंपनी को हटाकर ये पूरा कंट्रोल उन्होंने खुद अपने पास ले लिया। द क्वीन विक्टोरिया टुक ओवर द रेंज ऑफ द रूलिंग ओवर इंडिया। इन सिस्टम्स के खत्म होने के बाद यहाँ पर जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ है, इंडिगो रिवोल्ट भी उसी टाइम पे हो रहा था, और इंडिगो रिवोल्ट में भी हिंदू पेट्रियट का बहुत बड़ा रोल था। चलिए हिंदू इसे भी समझ लेते हैं, बिल्कुल हमारे जो इंडिगो रिवोल्ट था उसके बारे में तो हम लोग अलग से समझने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिगो रिवोल्ट में जो हिंदू था उसका क्या, द हिंदू जो न्यूज़पेपर हमारा था उसका क्या रोल था, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। द इंडिगो रिवोल्ट ब्रोक आउट इन द सेम ईयर। द हिंदू पेट्रियट अंडर द एबल एडिटोरियलशिप ऑफ हरिश्चंद्र केम आउट इन सपोर्ट ऑफ द इंडिगो पीजेंट्स। तो जो लोग इंडिगो की जो नील की खेती कर रहे थे, उन लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के बारे में हिंदू पेट्रियट ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया, और उनके बारे में सारी चीज़ों को अपने आर्टिकल्स को छापा, जिससे लोगों को इस बारे में सही तरीके से पता चले। ही इज राइटिंग एक्सपोज द ऑपरेशंस एंड एट्रोसिटीज ऑन द पुअर पीजेंट्स बाय द इंडिगो प्लांटर्स एंड रेगुलरली प्रिंटेड न्यूज रिलेटेड टू द इंडिगो रिवोल्ट। तो उन्होंने इंडिगो रिवोल्ट के जो अपडेट्स थे, जो क्या हो रहे हैं इसमें, इन सब और उन पर कैसे किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो अपने न्यूज़पेपर में रेगुलरली पब्लिश कर रहे थे, जिससे लोगों को इस बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा था। इंडिगो प्लांटर्स ब्रॉट डिफेमेशन केसेस अगेंस्ट हिम। अब जब ऐसा होने लगा, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये स्टार्ट होने लगा कि जो इंडिगो की खेती कर रहे थे, जो नील की खेती करवा रहे थे, जो इसके मालिक थे, उन लोगों ने डिफेम सूट दाखिल करना स्टार्ट किया, यानी मानहानि का दावा करने लगा वो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल पे, और हरिश्चंद्र लॉस्ट द लीगल बैटल एंड पास्ड अवे इन 1861। तो इस तरह से वो इस फाइट में लूज़ करते हैं, और फाइनली वो उनका डेथ हो जाता है, और इसके साथ हिंदू पेट्रियट जो हमारी ये पत्रिका थी, वो थोड़ी थोड़ी डाउनफॉल की तरफ चलती है। चलिए उसके बारे में बाकी भी पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू पेट्रियट मिरर्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। हरिश्चंद्र प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंपीरियल इनजस्टिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिगो कमीशन इन 1860 AD एंड एक्सपोज द क्रुएलिटीज एंड टायरनीज ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। तो ये सारी चीज़ें इंडिगो रिवोल्ट में जो हो रही थी, उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज किया था। एट द एंड द गवर्नमेंट हैड टू पास द लॉ एंड डिक्लेयर दैट इंडिगो कल्टिवेशन वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी, पीजेंट्स कुड चूज नॉट टू डू इट। तो जो कि आप लोगों को शायद नील विद्रोह के बारे में पता होगा, और नहीं पता है तो मैं जब नील विद्रोह के बारे में, इंडिगो रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, तब मैं वहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरह से उनको फोर्स किया जाता था कि आपको खेती करनी ही पड़ेगी। ये वो चॉइस नहीं था उनके पास, बस ये एक फोर्स था कि उनको करना ही पड़ेगा। इस चीज़ के खिलाफ किस तरह की खेती, किस तरह की चीज़ें, किस तरह के स्टेप्स लिए गए थे, और फाइनली हिंदू पेट्रियट के इस सपोर्ट के बाद
एक डिक्लेरेशन आया, एक जजमेंट आया, जिस जजमेंट में साफ कह दिया गया कि कोई अगर चाहता है कि वो उसकी खेती नहीं करेगा तो वो नहीं कर सकता है। अब खेती करने में क्या प्रॉब्लम थी, ये सारी बातें तो हम लोग इंडिगो रिवोल्ट के दौरान ही जानने वाले हैं, तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये था हमारा हिंदू पेट्रियॉट के बारे में। हम आने वाले क्लासेस में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और जैसे ही हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हम अब आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, हुतुमपुचर नौक्सा, ये वो आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आने वाले क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, कितने कंटेंट समझ में आए, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।